ओम शांति। संगम युग ही ऐसा समय है जबकि हम सभी ईश्वरीय सुखों से स्वयं को भरपूर कर सकते हैं, जिसके लिए नाम दिया गया है अतीन्द्रिय सुख, आत्मिक सुख। और इसके लिए भगवान उवाच है, जो बच्चे आत्माभिमानी बनकर रहते हैं अतीन्द्रिय सुख तो उन्हें ही भासता है। हमारी आत्माभिमानी स्थिति ही अतीन्द्रिय सुखों का आधार है। इंद्रिय सुख तो सांसारिक सुख तो इंद्रियों के माध्यम से मिलते हैं। बहुत अच्छा खाया जीभ का सुख, बहुत अच्छा सुना कानों का सुख, बहुत अच्छी चीजें देखी आँखों का सुख, विषय वासनाओं का सुख, लेकिन ये सुख अतीन्द्रिय सुखों से मनुष्य को वंचित रखता है। यदि हमें स्वयं को अतीन्द्रिय सुखों से भरपूर करना है तो कर्मेंद्रियों के सुखों को पूरी तरह तिलांजलि देनी पड़ेगी। दोनों सुख एक साथ नहीं चल सकते। आत्माभिमानी होकर, शरीरी होकर हम बाबा की याद में मग्न हो जाएं, हम उसके प्यार में खो जाएं, तो उससे जो हमें सुख मिलेगा वो बहुत ही अलौकिक होगा, बहुत ही बड़ा होगा। इसी अतीन्द्रिय सुख के लिए कहा गया है कि देवताओं को भी ये प्राप्त है। और इसी के लिए बाबा ने दूसरी बात कही है कि पूरे स्वर्ग का सुख एक तरफ रख दो, लेकिन ये अतीन्द्रिय सुख दूसरी तरफ पलदा इसका ही भारी रहेगा। और इस सुख को पाने का अधिकार केवल हमें प्राप्त हुआ है, इस सुख को पाने का मार्ग केवल हमें दिखाया गया है। बाबा ने रोज अपना वरदानी हाथ हमारे सिर पर रख कर सदा सुखी होने का हमें वरदान भी दिया है। तो आइए हम सभी स्वयं को सांसारिक सुखों से मुक्त कर दें। यहाँ तो सांसारिक सुख भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पर उनकी इच्छाओं से मुक्त। इच्छाएं मनुष्य को तृष्णाओं के रूप में भटका देती हैं, और ये सुख मनुष्य ढूंढ रहा है कहाँ? धन में, संबंधों में, सांसारिक पदार्थों में। विद्यार्थी लैपटॉप में सुख ढूंढ रहे हैं, मोबाइल में सुख ढूंढ रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाकर सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये सभी सुख मनुष्य को मानसिक पीड़ा दे रहे हैं, क्योंकि ये आज सुख हैं और कल टकराव है, आज सुख हैं और कल अलगाव है। इसलिए न संबंधों में सुख मिल रहा है कलयुग में, न धन संपदा में सुख मिल रहा है, न पद पोजीशन में सुख मिल रहा है। अब तो सुंदर अवसर हमारे हाथ में आया है। इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम धन नहीं कमाएंगे, धन नहीं पढ़ाएंगे, उसे करते हुए बस ये ध्यान रहे कि हम उसमें लिप्त न हो जाएं, हम दूसरों का धन न लेने लगें, हम गलत तरीकों से धन न कमाने लगें। यदि गलत तरीकों से हम धन कमाएंगे तो हमारी संतान चरित्रहीन हो सकती है, वो हमें सुख कदापि नहीं देगी। इसलिए हमें अपने धन के संबंध में भी ईमानदार बनकर रहना है। जिसको जो कुछ देना है, देने की इच्छा रखनी है, तो देने वालों के भंडारे सदा ही भरपूर रहते हैं। तो आइए आज हम इस अतीन्द्रिय सुख की गहन अनुभूति में सारे दिन को व्यतीत करें। अंतर्मुखी होकर प्रकृति की कुटिया में बैठ जाएं, ये अंतर्मुखता की भी गुफा है, चलें इसमें गहरे और मिलें अपनी गहन शांति से। मैं बहुत शांत हूँ, मेरी असली शक्ति है ही शांति की शक्ति।
इससे मिलें, डीप साइलेंस में चलें, इस साइलेंस में ही बहुत सुख है, यही साइलेंस बहुत स्वीट है। तो आज बार बार अंतर्मुखता की गुफा में और भ्रकुटि की कुटिया में बैठकर इस सुख को बढ़ाएं। ओम शांति।